रुक करते हैं भिवंडी के भंडारी कंपाउंड की ओर, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रवेश किया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष स्वाति कामले और ज्येष्ठ नेता जावेद फारूकी का अथक प्रयास से जिस तरह से देखने को ये मिल रहा है कि पार्टी में प्रतिदिन लोगों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं पर आज हम आपको जो दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के भंडारी कंपाउंड की, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं का असंगठित कामगार विभाग में प्रवेश होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हम आपको बता दें कि जावेद फारूकी के हाथों रिबिन काटकर एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। एक महिला पदाधिकारी समेत 8 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। विशेष तौर पर वहां पर उपस्थिति की बात की जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, ज्येष्ठ नेता जावेद फारूकी, आसिफ खान, आरिफ सिद्दीकी, मोहम्मद आमिर खान, जीशान खान, शेख शाहिद यादव, शशिकांत मता गामा तथा सरवर अंसारी सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे, जहां पर विशेष तौर पर मुख्य रूप से हम आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष स्वाति कामले के जन्मदिन के अवसर पर वहां पर केक भी काटा गया। लेकिन एक चर्चा का विषय यह बना रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के मुखिया यानी कि जिला अध्यक्ष भगवान टावरे का घर महज कुछ कदमों की दूरी पर है और उनके निवास साधन के ही कुछ कदमों की दूरी पर एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन उनकी वहां पर उपस्थिति नहीं देखने को मिली, जिसको लेकर शहर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी चलना शुरू हो चुका है। देखिए इस विशेष एपिसोड। देखिए आज असंगठित कामगार विभाग में काफी लोगों ने प्रवेश किया है, मगर जो लोगों को पद मिला है, पद देना था, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। उनके साथ जो उनके समर्थक थे, जो भी 30, 25, 50 ऐसे लोगों को नहीं बुलाया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके प्रोग्राम हम लोग आज किए हैं। मैडम, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से आज हम भंडारी कंपाउंड में हैं और यहाँ पर महज कुछ मिनटों की दूरी पर यहाँ पर जिलाध्यक्ष का घर भी है, कार्यालय भी है, लेकिन जिलाध्यक्ष की अनुपस्थिति यहाँ पर सवाल खड़ा करता है। देखिए COVID-19 की महामारी चल रही है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जिला अध्यक्ष को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो अभी क्वारंटाइन है। कार्यक्रम के लिए उनके पास समय रहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो बॉडी के लोग हैं उनके लिए समय नहीं आ रहा, बार बार इस तरह की बात करके टाल देते हैं कि कोविड का है, बीमार है। इसके पहले भी कई कार्यक्रम उन्होंने नहीं, कौन से कार्यक्रम जिला अध्यक्ष ने लिए, वो तो बीमार है, वो कौन से भी कार्यक्रम में लिए, आप कैसी बात कर रहे हैं। हमारा जिला अध्यक्ष से अच्छा कोऑर्डिनेट है और जो कार्यक्रम ले रहे हैं हम उनके मार्गदर्शन में ले रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि असंगठित कामगार जो विभाग है राष्ट्रवादी का, वो यहाँ अच्छी तरीके से काम करे और बच्चे काम भी करें, उनको जो भी सहकार्य होगा वो देने के लिए मैं पूरी तरह से हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी सेल तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, राष्ट्रवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और लोग पार्टी में जुड़ने के लिए उत्साह हैं और हम लोग आज असंगठित कामगार विभाग का जो भंडारी कंपाउंड में आज एक नई ऑफिस ओपनिंग हुई है, माशाल्लाह शानदार ऑफिस है। ऐसे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हर मोहल्ले में, हर गली में आपको राष्ट्रवादी का एक बैनर नज़र आएगा और जो मजदूर यहाँ पे हैं, मजदूरों का शहर है भिवंडी शहर, एक मजदूरों का शहर है, इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी से मजदूर कभी निराश नहीं लौटेगा। वो जो भी उसकी तकलीफ रहेगी, इंशाल्लाह हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे महामारी के दौरान इतने तादाद में लोग राष्ट्रवादी से जुड़ रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताता चलूँ कि ये आज राष्ट्रवादी आने वाले समय में ये शहर में इंशाल्लाह पूरा काबिज रहेगी। और हम लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है हमारी, हम लोग मिलजुल के शहर में विकास करने का भी काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और हमारी सरकार है, इंशाल्लाह हम अपने भिवंडी शहर को इतनी मदद पहुंचाएंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे राष्ट्रवादी जुड़ने के लिए। ऐसे हम काम करेंगे, दिल जीतेंगे हम लोग लोगों का और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भिवंडी की जनता राष्ट्रवादी के साथ तहे दिल से सपोर्ट करेगी हमारा। देखिए मैं
इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मुझे किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। वो कहीं ना कहीं बीमार हैं या जो भी हैं या उनकी जो भी तकलीफें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी राष्ट्रवादी कैसे आगे बढ़ेगी। हमने कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी की नीतियों से हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुए हैं। उनकी उनके काम करने के जो तरीके हैं कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद आए, तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी को भिवंडी में बढ़ाऊं और कहीं जो भी चीज़ें हम कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएँ, हम वो राष्ट्रवादी पार्टी के लिए हम करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यालय में कम से कम 50 लोगों के साथ हम लोगों ने ये 50 लोगों की टीम के साथ हमने ये काम स्टार्ट किया है। और मुझे कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, जो भी राष्ट्रवादी पार्टी में जितने भी नेता जितने भी पदाधिकारी सबको मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करें और मैं राष्ट्रवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाऊँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।